राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। धनतेरस का उत्सव पूरे भारत वर्ष में 29 तारीख को मनाया जा रहा है। इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो मेक श्योर वीडियो आप दिल एंड तक जरूर देखने वाले हो। देखो, धनतेरस के दिन ना सुबह सुबह उठना चाहिए। सुबह सुबह उठकर पानी में आपको गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, और अगर आपने कार्तिक के नियम ले रखे हैं फिर तो क्या ही कह रहे हैं। अगर नियम नहीं भी ले रखे तो धनतेरस बहुत बड़ा दिन होता है, और इसी दिन से पंच दिवसीय दिवाली का जो उत्सव होता है वो प्रारंभ होता है। पंच दिवसीय में सबसे पहला दिन होता है वो धनवंतरी जी का दिन होता है। कहते हैं इस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात वो प्रकट हुए थे। जब धनवंतरी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत का कलश था, जो कि पीतल, मतलब पीले रंग का था, पीतल का था। इसलिए इस दिन सोना खरीदने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीतल खरीदना। जी हाँ, अगर इस दिन आप शॉपिंग वगैरह करने, सबसे पहले तो देखो एक बात ध्यान रखिए, पानी में गंगा जल डाल के नहाइए। नहाने के बाद, उसके बाद जिस प्रकार से आप पूजा अर्चना वंदना करते हैं उसी प्रकार से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। बड़ी सारी महिलाएं ना इस दिन 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक निकलेंगी शॉपिंग करने के लिए। तो एक बात आप ध्यान रखिए, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का जो ये समय है, ये राहु काल है। इस काल में आपको भूल कर भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी। सुबह की पूजा तो सुबह हो जाएगी, धनतेरस में प्रदोष काल की पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। मैंने पूरा मुहूर्त से नोट डेट नोट कर लिया है, पूरा पंचांग देख के। तो धनतेरस जो है वो 29 तारीख का हो रहा है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है ना वो 7:04 से लेकर 8:30 बजे तक मिल रहा है। मतलब मोटा मोटा 7 बजे से प्रारंभ हो रहा है और 8:30 बजे तक आपको पूजा का शुभ मुहूर्त मिल रहा है, जो कि बहुत लंबा टाइम है। मोटा मोटा आपको 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय मिल रहा है। वहीं पे यम दीपक का दान भी प्रदोष काल में ही होता है, और यम दीपक का यम दीपक जो जलाया जाता है वो भी धनतेरस से ही प्रारंभ होता है। पहले धनतेरस वाले दिन जलाते हैं, फिर नरक चतुर्दशी वाले दिन जलाते हैं, इन 5 दिन में जलाते हैं। उस बजे तक के बीच में है, अर्थात 7 बजे से लेकर आप 9 बजे तक के बीच में कभी भी यम का दीपक जला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच में आप विशेषकर पूजा अर्चना वंदना कर लीजिए। जब आपने पूजा अर्चना वंदना कर ली तो 9 बजे आ जाके आप यम के नाम का दीपक अवश्य जला दें। अब धनतेरस पे पूरे दिन सुबह की पूजा अर्चना वंदना बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी है, लेकिन इस दिन अगर आपके घर पे तुलसी नहीं है तो तुलसी खरीद के लेके आइए। धनवंतरी जी आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं। इस दिन ना केवल तुलसी लाने का बहुत विशेष महत्व है, अपितु इस दिन कोई भी ऐसा वृक्ष जो कि आयुर्वेद से संबंधित हो, जैसे कि एलोवेरा का वृक्ष हो गया, ठीक है ना, वो भी आयुर्वेद से संबंधित होता है, तो इनका लाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। अगर आपके घर पे एलोवेरा नहीं तो एलोवेरा लेके आइए, तुलसी नहीं है तो तुलसी इस दिन आप जरूर और जरूर खुद के लेके आइए। तुलसी की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए। जब भी आप चौकी लगाइए, कोई कोई लोग चौकी लगाते हैं, कोई कोई लोग धनतेरस पर चौकी नहीं लगाते। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं धनतेरस पर कोई चौकी इत्यादि नहीं लगाती। एक चौकी जिसपे मैं भगवान का खाना रखती हूँ वो ऑलरेडी लगी होती है, उस दिन मैं उसमें खाना नहीं रखती। उस दिन मैं धनतेरस की पूजा अर्चना वंदना के लिए एक थाली बनाती हूँ। जो ये मैं थाली बनाऊंगी ना, ये लगभग 6:30 बजे के आसपास बनाना प्रारंभ करूंगी। 7 बजे तक बन जाएगी, उस 7 बजे मैं पूजा प्रारंभ करूंगी, जो कि 8:30 बजे तक इजीली संपन्न हो जाएगी। तो धनतेरस में मैं झाड़ू जरूर खरीद के लेके आती हूँ। तो मैं आपसे भी बोल रही हूँ कि धनतेरस वाले दिन आप झाड़ू जरूर लेके आइए। धनतेरस वाले दिन आप सोना चांदी अगर ला सकते हैं, अगर ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीतल या तांबे में से कुछ लेके आइए। पीतल का लोटा लाने की बहुत बड़ी महिमा, तो मतलब सोने से भी ज्यादा बड़ी महिमा पीतल की है। हल्दी लाने की बहुत बड़ी महिमा है, नमक लाने की बहुत बड़ी महिमा है, गोमती चक्र लाने की बहुत बड़ी महिमा है, कमल गट्टा लाने की बहुत बड़ी महिमा है। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश इसी दिन लाए जाते हैं, लेकिन इस दिन उनकी पूजा अर्चना वंदना नहीं होती है। इस दिन लाके उनको एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। आपके जो पुराने लक्ष्मी गणेश है उनकी पूजा अर्चना वंदना होती है। कुबेर दिया इस दिन लेके आया जाता है। अगर आपके घर पे अभी भी कुबेर दिया नहीं है तो इस दिन एक पीतल का कुबेर दिया लेके आओ, जो की कुबेर जी की पूजा के लिए जलाया जाता है। और कहते हैं कुबेर दिया जलाने से धनतेरस में आपके घर में धन की कमी नहीं होती। अगर कुबेर दिया नहीं लेके आ सकते हो तो सिंपली एक पीतल का दिया जरूर लेके आओ, पीतल की घंटी जरूर लेके आ सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है पीतल का सामान लेके आओ। पीतल का सामान ना मिले तो आप तांबे का सामान लेके आओ। तांबे का अगर ना मिले
तब जाके मैं तीसरा प्रेफरेंस सोना चांदी कर रही हूँ, चौथा मैं कर रही हूँ सोना। उसके बाद आप हल्दी ले सकते हो, जीरा ले सकते हो, कमल गट्टे की माला ले सकते हो, कौड़िया ले सकते हो, नमक ले सकते हो, ठीक है ना, कुबेर यंत्र ले सकते हो, लक्ष्मी जी के पैर चरण ले सकते हो, वो सब आप पे निर्भर है। श्री यंत्र ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, वो पूरी तरीके से आप मैं या फिर मैंने एक वीडियो में तो पूरे डिटेल में बताया कि आप क्या झाड़ू ले सकते हो, वो आप सब चीजें लेके आओ। उसके बाद एक थाली बनाओ, जो ये थाली बना रहे हो ना आप धनतेरस की, याद रखो ये थाली अब भैया दोस्त तक चलनी है, इस थाली को बार बार धोते नहीं है। मेरे मायके में हमेशा क्या होता था, मेरे मायके में धनतेरस की जब पूजा होती थी तब एक थाली बना दी जाती थी, वो थाली जो होती थी वो थाली हमारी भैया दोस्त तक चलती थी। जब हम अपने भैया दोस्त पे भाई को तिलक करते थे तो उसी थाली से तिलक इत्यादि लगाते थे। तो धनतेरस की पूजा में एक थाल बनाइए, उस थाल में जो भी सामग्री आप लेके आए हो चौकी पे लगाइए, अगर आप चौकी लगाना चाहते हो, नहीं तो पटरी पे जो भी सामग्री लेके आए हो वो लगा दीजिए। मेक श्योर लक्ष्मी गणेश जी को छोड़कर, पुराने लक्ष्मी गणेश की कोई प्रतिमा है तो वो लगाइए। उसके बाद धन्वंतरी जी की एक फोटो अगर आपके घर पे है तो लगाइए, अगर नहीं है तो सुपारी पे कलावा बांधकर धन्वंतरी जी की फोटो लगाइए, उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। पूजा कैसे करनी है कैसे नहीं उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। रात को वो सामग्री वहीं पे रखी रह दीजिए। उसके बाद 13 दिए जलाइए, इस दिन 13 दिए जलाने का बहुत विशेष महत्व होता है। एक दिया आपको यमराज के निमित्त जलाना होता है, जो यमराज के निमित्त जलाना होता है उसको यम का दिया बोलते हैं और वो भी 13 दियों में ही काउंट होता है। एक दिया कूड़ेदान के पास जलाना होता है, कूड़ेदान के पास बहुत नेगेटिविटी होती है, लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जब हम कूड़ेदान के पास कोई दिया जलाते हैं तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो एक दिया कूड़ेदान के पास, यमराज का दिया और कूड़ेदान के पास जो दिया जलता है वो हमेशा सरसों के तेल का जलता है। यमराज का दिया चतुर्मुखी दिया जलेगा, इसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होगी। एक दिया आप अपने पितरों का नाम का जरूर जलाइए, आकाश दीप दान करके आइए। ये जो ये दिया जलाने की टाइम टेबल है ना, ये 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम है, आप 7 से लेकर 9 बजे तक कभी भी दीप प्रज्वलित कर सकते हो आकाश दीपदान। बाकी आप अपनी कुछ तिल के तेल के जलाइए, कुछ घी के जलाइए, घी के एक किचन एरिया में घी का दिया अवश्य जलाइए। मतलब ये 13 दियों में से 3 दिए आपको सरसों के तेल के जलाने हैं, और अगर पीपल के पेड़ पे भी दिया जला रहे हो तो वो भी सरसों के तेल का होगा। तो 4 दिए आपको सरसों के तेल के जलाने हैं, वो उसमें पीपल का तेल, पीपल का दिया भी इंक्लूड है। बाकी कुछ दिए आप सरसों के तेल के जलाइए, कुछ दिए तिल के तेल के जलाइए, कुछ दिए आप घी के भी जला सकते हो। जलाने के बाद उनको उनके स्थान पे रखिए, जैसे कि कपड़े के हर कमरे में रखना है, बेडरूम में रखना है, ड्राइंग रूम में रखना है, आपके हॉल में रखना है, किचन एरिया में रखना है, यहाँ पे आपके पानी का स्थल है वहां पे रखना है, तुलसी मैया पे रखना है, घर के मुख्य द्वार पे रखना है। और आपको इतनी सारी बातें याद ना रहे तो घर के दहलीज पर 2 दीपक रख दिए, घर के दहलीज पर 13 दीपक लग दिए। जैसे त्रयोदशी वाले दिन 13 दीपक जलाने का महत्व होता है, वैसे ही नरक चौदस पर 14 दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है, जिसको रूप चौदस भी बोलते हैं, उस दिन 14 दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है, उसके ऊपर दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, अब त्रयोदशी वाले दिन आपको पूरे घर में झाड़ू लगानी है, और नरक चतुर्दशी वाले दिन नई झाड़ू से झाड़ू लगा के, या फिर वो जो पुरानी झाड़ू है उसको नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने घर से डिस्ट्रॉय कर देना है, अपने घर से फेंक देना है। आपने जिस झाड़ू से झाड़ू की पूजा अर्चना बना की थी उस झाड़ू से नरक चतुर्दशी वाले दिन आपको अपने घर की झाड़ू निकालनी है। एक 2-3 बातों को ध्यान रखिए, धनतेरस से ही प्रारंभ होती है दहलीज पूजा, जिसको चौखट पूजन इत्यादि भी बोलते हैं, वो धनतेरस से ही प्रारंभ होती है। आपके मेन गेट के पास जो भी दहलीज चौखट बनी हुई है तो उस चौखट का पूजन अवश्य कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये चौखट है, ये चौखट है, यहाँ पे आपने हल्दी लगा दी, यहाँ पे 2 लाइनें खींच दी, यहाँ पे 2 लाइनें खींच दी, बीच पे स्वास्तिक बना दिया, एक दिया रख दिया, उसमें खीर पकाते रख दिया। तो ये होते धनतेरस पे भगवान धनवंतरी जी की पूजा अर्चना वंदना का बहुत विषय। तो धनतेरस पे जो भी आप दीपक जलाओगे उस पे लौंग जरूर डालोगे, और जो भी आप पूजा अर्चना वंदना धनतेरस पे कर रहे हो ना, मेक श्योर क्योंकि उसमें थोड़े से खड़े मसाले भी रख ले, जैसे कि लौंग रख सकते हैं, इलायची रख सकते हैं, अजवाइन रख सकते हैं, सौंफ रख सकते हैं, जीरा रख सकते हैं, दालचीनी रख सकते हैं, जो भी आपके घर पे खड़े मसाले अवेलेबल है वो रख लीजिए, रख लीजिए। फिर उनको आप लाइफ टाइम यूज रखिए, बहुत बहुत ज्यादा आप
आपको निरोगी काया प्राप्त होती है। धनवंतरी जी की पूजा के साथ साथ इस दिन कुबेर भगवान के नाम का एक दिया जलाया जाता है, उससे आरती नहीं होती। अगर कुबेर आपके पास कुबेर यंत्र है तो कुबेर यंत्र के सामने वो दिया जलाइए, नहीं तो आप कुबेर दिया एक आता है बोले क्या ये वो जलाइए, तो कुबेर दिया नहीं है तो सिंपली कोई और भी दिया जला सकते। तो इस प्रकार से धनतेरस की प्रॉपर पूजा अर्चना होती है और धनतेरस का दिन आपको ऐसे स्पेंड करना चाहिए। धनतेरस पे काले रंग के कपड़े नहीं पहने, नीले रंग के कपड़े नहीं पहने, भूरे रंग के कपड़े नहीं पहने कि मंगल का साल है, मेक श्योर हरे लाल रंग के कपड़े भी ना पहने क्योंकि मंगल का साल है। इस वजह से आपको नॉन स्टिक ब्लैक कलर की कोई भी चीज नहीं खरीदनी, प्लास्टिक की कोई भी चीज नहीं खरीदनी है, याद रखिए लोहे की कोई भी चीज नहीं खरीदनी, कांच की कोई भी चीज नहीं खरीदनी, कोई भी देखो दिवाली से कुछ दिन पहले ना अपना खर्चा बंद कर देना चाहिए, दिवाली के आसपास पैसों को संजोर कर रखना चाहिए, उड़ाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो मेरा नंबर है 4592025065, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, अगर आपको बिजनेस करना है तो किस फील्ड में आप अपना बिजनेस करें, आपका बिजनेस अगर चल नहीं रहा तो उसके लिए क्या उपाय करें, संतान प्राप्ति का योग आपकी कुंडली में कब है, संतान प्राप्ति के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपका विवाह कब होगा, किस डेट में होगा, आपके हस्बैंड वाइफ की आपस में बनने रहे क्या रीजन है, ये सभी बातें मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। मुझे आपको प्रॉपर मेरे को पूरी कुंडली मत भेजिए, मुझे केवल आपके जन्म की तारीख और समय चाहिए होता है। अगर समय में नहीं पता तो जिस जगह आप पैदा हुए हो वो जगह चाहिए होती है। अगर आपको मेरी वीडियो और कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा हरी बोल।